भागवत स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या पांच और छे श्लोक संख्या पांच सुत उच सृषीय पृष्ठो रा प्रख्या सुबहत्मा शूयता शब्दा सुत उवाच श्री सुत गोस्वामी ने कहा सह वह एवं इस प्रकार ऋषिवर्य महान ऋषि अयम शुक शुकदेव गोस्वामी पृष्ठ पूछे जाने पर राजना राजा परीक्षिता महाराज परीक्षित द्वारा प्रति से आह कहा तम उस राजा को सुबहुवित अत्यंत अनुभवी प्रीत आत्मा पुनर्णतुष्ट शूयता कृपया सुने इस प्रकार अनुवाद श्री सुत गोस्वामी ने कहा महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनो इसमें तात्पर्य नहीं है इसलिए हम अगला श्लोक पढ़ेंगे श्री शुका वाचा। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने दधा <coughs> शब्दार्थ श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा ने यदा जब तू लेकिन राजा राजा धृतराष्ट्र स्वसुतान अपने पुत्र को असाधुन बेईमान पोषण पोषण करते हुए न कभी नहीं धर्मेण उचित मार्ग पर विनष्ट दृष्टि ही जिसकी दृष्टि खो चुकी है भ्रातु अपने भाई के छोटे, अरे सुतान पुत्रों को विबंधन अनाथ प्रवेश प्रवेश करा दिया लाक्षा लाख लाक के लाक्ष। भवने घर में ददाह आग लगा दी, दी। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजा धित्राष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षाग्रह में आग लगा दी तात्पर्य धृतराष्ट्र जन्मांत था किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दूर से कहीं बड़ा था दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी भी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावर रूप से बाधक होता है ओम ज्ञानदि विरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरं मिली तम्यना तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूताने स्वयं रूप ददाति ददा स्वदाक वंद्यम श्रीगुर श्रीपद कमल श्रीगुर वैष्णवांश श्री सागर जात सह गण रघुनाथा तम सजीव साइत सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सह गण ललिता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ये सभी लोगों के इस भौतिक जगत के जो भी रहते हैं उनको इसमें से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है भक्तों को तो प्राप्त करनी है लेकिन ये शिक्षा सभी के लिए है ये श्लोक में क्या कहते हैं कि गोस्वामी कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र ने अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं से वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुकी थी राजा ध्रता की अंतर्दृष्टि चली गई थी स्वसुतान असाधुन असाधुन बेईमान एक शब्द है साधु जो एक भक्त होता है और वो ईमानदार होता है लोगों को कल्याण के लिए सोचते हैं और एक असाधु ने जो लोगों का विनाश करने का सोचते रहते हैं तो यहां धृतराज को असाधुन कहा गया है बेईमान अपने पुत्रों की बेईमान इच्छाओं को पोषण करते हैं यदा राजा ससुतान साधुन पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि उन, उन्होंने अपने बेईमान पुत्रों को पक्ष लेते हुए जिनकी जिनकी इच्छा इन पांडवों का ना नाश करने की थी उनके लिए उन्होंने क्या किया उनका पक्ष लेके पुषण धर्मेणा हाँ उनको उचित मार्ग नहीं दिखा इसलिए उन्होंने विनष्ट दृष्टि है उनकी अंतर्दृष्टि खो चुकी थी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विनष्ट दृष्टि दो दृष्टि है एक बाह्य दृष्टि और एक अंतरदृष्टि तो यहाँ बाह्य रूप से ईमानदारी जिन्होंने जिनके पास नहीं थी उनका उनको उनका पक्ष लेके उन्होंने भी बेईमान कार्य किया वो भी बेईमान अंतिक हो चुकी और क्या किया अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी देखो कहां तक पहुंच गए इसमें प्रभुप बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि बाह्य दृष्टि से ध्रुता अंध थे उनकी आंख नहीं थी लेकिन वो इतना बाधारूप नहीं था वो बाधारूप नहीं है बाधा बाधारूप नहीं है भक्ति के लिए आध्यात्मिकता के लिए आंख बाधारूप नहीं है अगर दृष्टिहीन है तो वो बाधा नहीं है भक्ति के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रभुपाद कहते उन्होंने अपने बेईमान पुत्र के समर्थन हेतु अव पवित्र कार्य करने में उनका जो अंधापन था उनको सोचना चाहिए उनके पुत्र बोले इनको राज्य मत दो तो उसको सोचना चाहिए नहीं बेटा उनके पिता राज्य के लायक थे मैं राज्य के लायक नहीं हूं तो उनके पिता की जगह में बैठा हूं लेकिन उनके पुत्र का हक है इस गद्दी पर बैठने के लिए इसीलिए मुझे उनका देना पड़ेगा तो ये अंधापन कि उनको देने का जो हक है वो उनको पुत्रों ने बोला नहीं उनको हक नहीं देना है यानी कंपनी क्या बोला उनको हक नहीं देना है तो पिताजी ने भी बोला ठीक है धृतराज ने भी बोला ठीक है हम नहीं देंगे उनको हक भगवत गीता का पहला श्लोक युद्धि वाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का मामका शैव किम कुरता अर्जुन तो यहाँ भी प्रभुपाल लिखते हैं इस पहले श्लोक के तात्पर्य में कि यहाँ धृतरास की दुष्ट बुद्धि प्रकट होती है उन्होंने दो भाग कर दिया ये सब कौरव ही कहा जाते हैं ये सब मतलब ये कुरुवंश है कुरुवंश के सभी लोग कौरव कहे जाते हैं पर उन्होंने क्या कहा माम का पांडवाशय मतलब उन्होंने पांडव को अलग कर दिया कुरुवंश अलग कर दिया तो एक अंताकरण की दृष्टि ये बहुत ही डेंजरस है प्रोपाद कहते हैं कि आद, आ, शारीरिक रूप से यदि हम अंधे हैं या कोई भी खामी है तो प्रॉब्लम नहीं लेकिन आ, आध्यात्मिक अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है यानी हमें आ, जन्मे जन्मे चक्षुदान चक्ुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से तो हम ये चक्ु ये चक्षु क्या है भगवान को दर्शन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान प्रदान प्राप्त करने के जो चक्षु है वो खुले होने चाहिए ओम ज्ञान तिमी राधस्य ज्ञान जन शला कया चुन्मिली श्री गुरु में मतलब वो चक्षु खोलना है किससे ज्ञान के अंजन से ज्ञान के ड्रॉप से और वो कौन करते तस्मयी गुरु है तस्मय श्री गुरु है वो गुरु ऐसे ओपन करते यानी हमारा अंधापन है आध्यात्मिक अंधापन है तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए वो हमारी आंख खोल देंगे तो आँख खोलना बहुत आवश्यक है और ये श्लोक में यही बताते हैं प्रभुपाद कि ये वो डेंजरस है यदि हमने आंख नहीं खोली तो क्या होगा हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रह सकते हैं और वहां छुट्टी मिलेगी भी करोड़ों साल के बाद फिर भी हम इस पशु योनि पेड़ पौधे सब में घूमते रहेंगे इसलिए वो अंधापन भयावह है जो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं देता है मतलब शारीरिक कोई भी खामी हो तो हम भक्ति कर सकते हैं जैसे कभी कभी हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो इससे हमारी भक्ति रुकती नहीं है लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट हैंड में फ्रैक्चर है तो लेफ्ट हैंड से माला कर सकते हैं मतलब शारीरिक खामी हमारा भक्ति में रूप नहीं है लेकिन जो दिव्य दृष्टि ये जो दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि हाँ धर्म दृष्टि वो दृष्टि का नाश नहीं होना चाहिए उसको डेवलप करना चाहिए ताकि हम समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है या लिखते हैं दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुक सकती किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो यह अंधापन मनुष्य का सर्वनाश कर सकता है इसीलिए हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त करना है हमें भगवान को समझना है ठीक है आप लोग सब समझो हमको तो खाओ पियो मौज करो ये अंधापन है खाओ पियो मौज करने का जो कॉन्सेप्ट है ये अंधापन है आध्यात्मिक अंधापन है दिखता ही नहीं है जैसे हमारी दृष्टि है हमारी दृष्टि दीवार के पीछे कुछ नहीं दिखता है ये हमारा अंधापन है वो चलेगा लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि ऐसे नहीं होनी चाहिए यदि आध्यात्मिक दृष्टि ऐसी होगी तो हम हमारा विनाश सर्वनाश होगा इसीलिए वो दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी नहीं तो हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी जैसे है जब हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आती है ऐसी समस्या हमको लगी कि इससे हम पार नहीं हो पाएंगे तो लोग क्या करते हैं सुसाइड करते हैं हम्म ठीक है सुसाइड किया तो उनका एक जन्म गया और वो जहां तक वो जन्म खत्म नहीं होगा तब तक उसको भूत योनि में रहना पड़ेगा घूमना पड़ेगा हम्म और फिर वो खत्म होगा भूत योनि फिर उसको और सात गुना सजा दूसरा शरीर फिर वो सजा सात जन्मों तक सजा खत्म करके फिर वापस वो आ सकता है लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से अंध है तो उसको करोड़ों कल्प तक इस भौतिक जगत में घूमना पड़ेगा सोचिए भक्ति का प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है कि ये सबको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेंगे नहीं तो धित्राष्ट्र महाराज की तरह हम लोग भी इस प्रकार से अपराध करके हम लोग भी नरक जा सकते हैं लेकिन धित महाराज का एक बड़ा सौभाग्य था कि उनका भाई विदुर महात्मा महात्मा विदुर शुद्ध भक्त थे और विदुर महात्मा उसका अंधापान दूर करने के लिए आए थे अंतिम समय में बहुत डांटा विदुर महात्मा ने क्या करो यहां जिस लोगों ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मार दिया उसके उसके टुकड़े पर तुम पलते हो उसके रोटी पे तुम खाते हो शर्म नहीं आती उसके साथ तुम कैसे रहते हो जिनको तुमने लाक्षाग्रह में जला दिया उसके आश्रय में तुम रहते हो तुमको शर्म नहीं आती ऐसा करके महात्मा विदुर ने पूरा ज्ञान की तलवार से उनके सब बंधन काट दिए तब जाके एटलीस्ट धृतराष्ट्र ने जीवन के अंतिम समय में तप किया उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई पर तप करके उनको भक्तों जैसा ये नहीं मिला गंतव्य स्थान लेकिन महाराज विदुर की वजह से उनका कल्याण हुआ इसीलिए हम लोगों को अंतर दृष्टिकोण ली नहीं तो युधिष्ठिर ध्रताज महाराज का भाग्य था कि विदुर महात्मा उनके भाई थे लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता ही नहीं है अंधा क्या है वो सबको उनको सिर्फ शारीरिक दृष्टि ही दिखती है उनके पास शारीरिक दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसीलिए हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करना चाहिए और वो है कि इस प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करें और भगवत धाम जाए ये ज्ञान प्राप्त करना है तो ही हम आ, हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे और खाओ पियो मौज करो ठीक है मौज कर पाओगे ऐसी कोई मौज नहीं है सब फीका हो जाएगा पहले अच्छा अच्छा खाना पनीर का आइटम ये सब लोगों को अच्छा लगता है अभी बहुत बड़ी वेराइटीज होती है पर लोग संतुष्ट नहीं है क्यों संतुष्ट नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है हमको आध्यात्मिक दृष्टि डेवलप करनी है और वही हमको ये जन्म मृत्यु से छुड़ा सकते हैं हमको भगवत धाम ले जा सकते हैं हरे कृष्णा श्रीमद भागवतम की जाय शिला प्रभु पाद की जायदाच